हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 8th ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जिसमें कि हम मैं मेनली बात करूंगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम, तो इसके दो टाइप्स मेरे को मिलेगी। सबसे फर्स्ट होंगी जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी हुई थी, और इसको काइनेमेटिक्स और बाकी जितने भी हम आगे जितने भी हम रोटेशन जितने भी हम चैप्टर पढ़ते हैं वहां तक हम इसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो हम इस टाइप की इक्विलिब्रियम जो कि है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, हम इसको यूज करते हैं। अब तक जितना भी हमने रोटेशन से पहले जितनी भी हमने मैकेनिक्स पढ़ी है उसमें हम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या आता था कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, मींस एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। तो जो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा, मींस अगर मेरे पास कोई बॉडी है उसके ऊपर एन नंबर फोर्सेज लग रही है, तो उन एन नंबर फोर्सेस का जब मैं सभी का वेक्टर प्रोडक्ट निकालूंगा वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब फिर दूसरी टाइप यहां पर आती है, दूसरी टाइप यहां आएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसको हम रोटेशनल चैप्टर इज रोटेशनल मोशन चैप्टर और इसके आगे आगे के चैप्टर्स में हम इसको यूज करेंगे, पर हम इसको अकेला नहीं यूज कर सकते। इसका ये जो हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ये हम रोटेशनल इसको हमने नाम तो दिया है पर हम इसको अकेला यूज नहीं कर सकते, हमारे को इसमें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी हमारे यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, पर मेन हमारे को इसमें कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसकी एक ही कंडीशन है कि हमारे पास मतलब एक ही कंडीशन है हमारे को नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन है कि हम हमारे को पता कैसे चलेगा कब हमारे को रोटेशनल इक्विलिब्रियम यूज करना है कब हमारे को ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम यूज करना है। तो इसको हम डिसाइड करेंगे कि हमारे को कब इसको यूज करना है, मींस कि अगर मैं कोई क्वेश्चन है उसमें हम FBD बनाते रहे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, तो उसमें हम मेनली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को यूज करते रहे। जैसे मेरे पास कोई टेबल पे कोई भी ब्लॉक पड़ा हुआ है तो MG इक्वल्स टू नॉर्मल मींस ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो उसी तरह जब हमें इक्वेशंस की कमी पड़ेगी इक्वेशंस ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तब हम यूज करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम को। तो ये थे दो टाइप इक्विलिब्रियम के जिनको कि जानना हमारा काफी जरूरी है। अगर हमारे को रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जानना है तो हमारे को ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को भी हमारा जानना जरूरी है। पर जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर एफ नेट इक्वल्स टू जीरो है, पर हम इसको पूरे सिस्टम का लेते थे, मींस हमारे पास कुछ ब्लॉक है उसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस लग रही है, तो हमारे को पूरे सिस्टम को देखना पड़ता था। पर देखना हमारे को इस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हमारे को पूरे सिस्टम को पड़ेगा, पर हमारे को किसी एक पॉइंट का टॉर्क जीरो लेना पड़ेगा ऑफ नेट टॉर्क जीरो, ठीक है। पर जैसे पूरे रोटेशनल मोशन में हमने देखा कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क हम कुछ भी निकालें, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो या कुछ भी, चाहे बल्कि उसको हम ट्रांसलेटरी में उसका कोई हम ओरिजिन लेते थे या नहीं लेते थे, पर हमारे को यहाँ पर उसका एक ओरिजिन मींस एक एक्सिस और रोटेशन जिसके बारे में रोटेट करेगा वो हमारा लेना काफी जरूरी था, मींस वो रिक्वायर्ड थी एक एक्सिस और रोटेशन। उस तरह जब हमने देखा कि नेट टॉर्क हम कैसे जीरो करेंगे किसी एक्सिस के अबाउट ही हमारे को उसको जीरो करना पड़ेगा, तो हम ये जो नेट टॉर्क है इसको हम किसी भी एक्सिस के अबाउट हम जीरो कर सकते हैं, अबाउट मींस अबाउट एनी पॉइंट। इसको भी मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा जो कि एक इसको हम एक उस एग्जांपल को हम एक क्वेश्चन लेके भी चल सकते हैं। तो ये था इनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको भी बताया है, पर अभी हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देंगे जिससे और भी अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सो देखते हैं एग्जांपल। तो अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया हुआ है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाए कि मतलब हमने इसको यूज कैसे करना है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को। तो हमारे पास क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन भी हम इसको मान लेते हैं, हमारे पास एक प्लैंक है यानी कि एक हमारे पास बहुत बड़ी जिसको हम बोल लेते हैं एक शीट है जिसको मैं ऐसा रखा हुआ है, इसका मास है 40 kg और इसके ऊपर अबाउट दिस पॉइंट येलो जो पॉइंट है इसके इससे यहाँ पर 2 meter की दूरी पर एक मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास है 80 kg और इस पूरे प्लैंक का मास है 40 kg और ये पूरी जो इसका प्लैंक का जो वेट ऑफ सेम मास 40 kg है और लेंथ है 10 meter और ये यहाँ पर इसके दोनों के यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट्स के बाउंड यानी कि इसके एजिस के बाउंड यहाँ पर इसको हमने दो ऐसे स्पॉटर से हमने इसको टिकाया हुआ है। तो हमारे को फाइंड करना है यहाँ पर हमारे को यहाँ फाइंड करना है एन, यहाँ पर भी एक एन होगा इसको मैं N1 बोल रहा हूँ इसको N2 हमारे को फाइंड करना है N2 हमारे को N2 फाइंड करना है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रांसलेटरी क्वेश्चन। तो मेरी एक एडवाइस है कि सबसे पहले हमारे को ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बनानी चाहिए भी, जिसमें हम एफ नेट इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखते हैं, तो इसका एक अपना मास होगा 80 g जो कि जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 लेके चलो 800 newton, ऊपर का एक नॉर्मल रिएक्शन होगा एन और इसका मास है 40 kg यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास या इसको ग्रेविटी भी हम बोल देते हैं कभी कभी 40 g। वैसे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलग अलग पॉइंट होते हैं पर जब तक हम इसको ज्यादा हाइट पर नहीं लग जाएंगे तब तक हम इनको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ पर हम इसको मान लेते हैं जो कि इसका सेंटर अबाउट होगा। अगर ये एक यूनिफॉर्म है यानी कि ये जो पूरी रोड है यूनिफॉर्म हुई तो भी दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। तो अब अगर मैं इसका सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि इन दोनों को बैलेंस करता हूं यानी कि 800 = n मींस इक्वेशन 1 ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने होगी ये ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन है, फिर मैंने इसकी बनाई तो ये हो गया 80 g + 40 g = n1 + n2 यानी कि 400 + 800 यानी कि 1200 = n1 + n2। तो हमारे को n2 फाइंड करना था तो यहाँ पे n2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी 1200 - n1 पर हमारे को सही वैल्यू निकालनी बिकॉज हमारे पास सारी वैल्यूज हैं ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेटरी इक्वेशन इतनी बन गई, इससे ज्यादा हम बना ही नहीं सकते। तो ये मेरे पास क्या है ट्रांसलेटरी इक्वेशंस। तो मेरे पास दो ट्रांसलेटरी इक्वेशंस आ गई। तो मैंने आपको बोला जब हमारे पास इक्वेशंस की कमी हो तो हमारे को रोटेशनल इक्वेशंस बनानी है मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम को हमारे को तब यूज करना है, तब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम को यूज करेंगे। तो मैंने आपको बोला था हमारे को नेट टॉर्क 0 करना पड़ेगा अबाउट एनी पॉइंट ताकि हम एक एक्सिस चुन सके। तो मैं इसको यहाँ पर किसी भी पॉइंट के अबाउट मैं कर सकता हूँ पर फॉर इजी कैलकुलेशन मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट मैं इसको 0 कर दूंगा टॉर्क को। तो हम यहाँ से सभी फोर्सेस का मैं टॉर्क निकाल लूंगा उनको ऐड करूंगा। तो यहाँ पर टॉर्क 1 यानी कि tau 1 ठीक है, इस सिंबल को हम tau बोलते हैं। तो tau 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, डिस्टेंस 0 है तो इसलिए तो 0 आ जाएगी सीधा। tau 2 की वैल्यू मेरे पास आएगी तो यहाँ पर 80 g, तो यहाँ पर हम 80 g लें या फिर नॉर्मल रिएक्शन, तो हमारे क्या है 80 g लें ठीक है। वैसे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन भी लें तो वैल्यू सेम आएगी बट डायरेक्शन में फर्क होगा, फिर भी मैं यहाँ पे 80 g लेने लगा। सो 800 × यहाँ पर मैं इसकी डायरेक्शन देखूँ तो इसको मैं अगर पॉजिटिव इसलिए नेगेटिव इसको मान देते हैं बिकॉज इसकी डायरेक्शन माइनस के कैप आ गई। तो यहाँ पर आ गया 800 × 800 × 2 meter माइनस के कैप tau 3 की वैल्यू हमारे पास आएगी इसके वेट की वजह से, तो जो भी माइनस में होगी तो 400 × 5 बिकॉज इसका डिस्टेंस हाफ 5 होगा माइनस के कैप ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 equation बन गई है रोटेशनल की। अब आखिरी बची है ये, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा आंसर यानी कि tau 3 की वैल्यू हमारे पास आएगी
एंड यहाँ पर आ जाएगी एन टू इन टू, इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा बिकॉज ये प्लस जे कैप, जे कैप है सो ये के कैप, ठीक है। तो एन इन टू टेन ये आ गया पॉजिटिव के कैप। तो ये हमारे पास टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री और टाउ थ्री की वैल्यू मेरे पास आ गई है। सो यहाँ पर फोर आना था टाउ फोर या थ्री, यानी कि टॉर्क फोर टॉर्क थ्री। तो अब मैं इनको सॉल्व करूंगा इक्वेशंस को, तो अब तो ये काफी इजी रह गया। हमें को पता है नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि बिकॉज मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में निकाला है क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्शन इसको दी है, मीन्स ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास निकल गई है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ फोर मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक और डाउट आएगा कि मैंने कैसे मान लिया कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, बिकॉज मैंने इसको इसलिए माना कि रोटेशन इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा, ये सच्ची में इक्विलिब्रियम में है। और अगर मैं यहाँ से इसका एक ही स्पोर्टर हटा दूँ तो ये रोटेशनल मोशन दे रहा है, ऐसे रोटेट करेगा, तभी मैंने बोला कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में भी है। तो यहाँ पर टाउ वन की वैल्यू जीरो प्लस सॉरी यहाँ माइनस माइनस 1600 यहाँ पर माइनस 2000 प्लस यहाँ पर 10 एंड 2 इक्वल्स टू जीरो, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ। तो इसको मैं अभी देखूंगा तो प्लस हो जाएगा तो ये इधर चल जाएगा, फिर 2000 प्लस 1600 तो जीरो 36 में भाई ये वैल्यू आ गई 3600। तो n2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा जो कि आ जाएगी 360 इसकी वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू 360 न्यूटन आ गई है। अगर मैं यहाँ पर n1 की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी यहाँ पर मैं 360 यहाँ डालूंगा, तो इसको मैं जब माइनस करूंगा n1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह मैंने फाइंड किया n2 की वैल्यू। तो इससे मैं को एक एग्जांपल या फिर मैं को यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी हम इसको मान सकते हैं, बिकॉज मैं को एग्जांपल से भी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जिसको कि हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हमारे को एग्जांपल मिल गई हमारे को किस तरह यूज करना है रोटेशनल इक्वेशंस को और क्या किस तरह हमारे उसका भी कॉन्सेप्ट यूज करना है ट्रांसलेटरी का भी। तो यहाँ पर ये रोटेशनल जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होकर आएंगे, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन के हो, ठीक है, चाहे वो रोटेशनल मोशन जो के भी चल रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने बात की है एक एग्जांपल की, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और साथ में मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात की है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो वैसे भी इसके कई एग्जांपल बन सकते हैं, जिसके एक लैडर वाला सिंगल लैडर जो कि एक वॉल के साथ इस तरह होती है, डबल लैडर। तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेटेड वीडियो डालूंगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।